आप लोगों ने धरती पर स्वर्ग के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी धरती पर नरक के बारे में सुना है? इन पिक्चर्स को देखिए। ये पिक्चर्स हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहां के लोगों के लिए दिल्ली नरक बन चुकी है। दिवाली के दो दिन बाद दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पटाखों पर भी बैन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा इंतज़ाम दिवाली पर लगा दिया जाए। दिवाली से पहले भी दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा था। डॉक्टर्स का मानना है कि दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब है 25 से 30 सिगरेट एक साथ पीना, वो भी हर रोज़। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को। समय बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि फसलों का धुआं यहाँ आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में कोविड की तरह कैंसर के पेशेंट देखने को मिलेंगे। अगर दिल्ली में पोल्यूशन का मेन कारण पटाखे नहीं है तो फिर क्या है, और कैसे दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? तो चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली के पोल्यूशन के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आप मैप में देखोगे तो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। जब सर्दियों के मौसम में हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, इसी टाइम पर हरियाणा, पंजाब के जो किसान हैं वो स्टबल भी बर्न करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन पार्टिकल्स की मात्रा हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दिल्ली जैसे छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है और यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनसे कार्बन पार्टिकल्स की मात्रा और भी ज़्यादा दिल्ली में फैल जाती हैं। जब हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, जिसमें कार्बन पार्टिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण यह दिल्ली के ऊपर एक थिक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो AQI इंडेक्स है वो 400 तक रहता है। इसी कारण से जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमेशा हैजर्डस कैटेगरी में रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 100 के बीच में है तो वो बिल्कुल ठीक है, 100 से 200 के बीच में है तो बिल्कुल पुअर है, और अगर 200 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो बिल्कुल डेंजरस कैटेगरी में आता है। इसी कारण से जंगलों और हिली एरियाज़ की जो हवा है बिल्कुल साफ़ रहती है, क्योंकि वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमेशा 100 से नीचे रहता है। यानी हम समझ सकते हैं कि बेटर एयर क्वालिटी के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे होना ज़रूरी है। दिल्ली के पोल्यूशन के पीछे हमेशा से एक और कारण को माना जाता है, और वो है स्टबल बर्निंग। लगाओ और जला दो, इसको जलाने में तो सिर्फ 500 रुपया खर्चा आता है। सर्दियों के मौसम के शुरू होने से पहले हरियाणा, पंजाब के किसान जो है वो स्टबल बर्न करते हैं, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। लेकिन हम सारा ब्लेम किसानों पर नहीं डाल सकते। किसान ऐसे क्यों करते हैं, हमें पहले वो जानना होगा। जब किसानों से पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करते हैं, तब किसानों ने जवाब दिया कि उनके पास साल में 2 या 3 फसलें उगाने का टाइम होता है। इधर हाली कोई नहीं मचाए तो बिना ही तुसी देख लो भी इसे इकट्ठा करने दे कितनी लेबर लगेगी। आलूओं का बस 15-20 दिन टाइम होता है। हाँ जी, क्योंकि गेता पछेता हो जाता है भी, जोड़ा जो जे अगेता बीजा जाता तो 4 पैसे किसान दिता है, तो नहीं तो फिर घाटे का सौदा बन जाता मूरी आगे गर्मी पड़ जाए। सर्दियों में गेहूं और गर्मियों में चावल, और इन दोनों फसलों में पानी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ये दोनों फसलें लंबा टाइम लेती है। अब किसानों को अच्छे दाम फसलों के न मिलने पर इन दोनों फसलों के बीच में वह एक और फसल उगाने की तैयारी करते हैं, जिसके कारण ज़्यादा टाइम न होने के कारण उनके पास वो फसलों के वेस्ट को जलाते हैं, ताकि उनको टाइम ज़्यादा मिल सके तीसरी फसल के लिए। लेकिन अब ये मामले काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। सरकार ने किसानों को कई प्रोग्रामों के द्वारा समझाया है। दिल्ली के पोल्यूशन के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण है व्हीकल्स। दिल्ली में 79.2 लाख व्हीकल्स हैं, जो कि 38% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टिमेटेड व्हीकलर एमिशन लोड इन दिल्ली कार्बन मोनोऑक्साइड 217.7, हाइड्रोकार्बन 66.7, नाइट्रोजन ऑक्साइड 84.1, पर्टिकुलेट मैटर 9.7 और सल्फेट डाइऑक्साइड 0.72 टन पर डे प्रोड्यूस होता है। इन सब की वजह से दिल्ली में PM2.5 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे दिल्ली में जो रह रहे लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। PM2.5 का मतलब है पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से भी कम है,
ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि सांस के द्वारा फेफड़ों तक जाकर कई गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये सब तो थी प्रॉब्लम्स, अब इनके सॉल्यूशन क्या है? दिल्ली के पोल्यूशन को देखते हुए सरकार ने वहां पर फायर क्रैकर्स, कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग, इन सब पर बैन लगाया हुआ है। व्हीकल्स पर ओड इवन रूल लागू किया गया है। और रही बात किसानों की, तो किसानों को जल्द से जल्द न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा और सरकार की ड्यूटी है कि वह उन्हें ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करे ताकि जो किसान है वो स्टबल को कम से कम बर्न करे या बिल्कुल भी बर्न ना करे, उनका वेस्ट जो है वो चारे के रूप में उपयोग करे और या फिर खेत में ही उसको डिकम्पोज करने का तरीका ढूंढना होगा। और कुछ किसानों ने तो स्टबल को बर्न करना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी किसान जो हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। आप लोगों को क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर दिल्ली के पोल्यूशन को आप लोग कम करना चाहते हैं तो हमारी कैंपेन को ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम अपनी तरफ से 100 ट्री प्लांट करेंगे जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए फॉर द नेचर, फॉर द कंट्री। जय हिंद।